नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। इस वक्त हम पटना के कालीघाट पर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं ये कूड़ा नहीं है। जी हाँ, आपको ये इस वक्त कूड़ा दिख रहा होगा लेकिन आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले ये माँ के चरणों में अर्पित करने वाली पूजन सामग्री हुआ करती थी। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से अब ये कूड़ा बन चुका है। कुछ दिनों पहले ये माँ के चरणों में इसे अर्पित किया जाता था। अक्षत है, फूल है, जौ है, माँ की तस्वीर है, कलश है, ये सारी चीज़ें जो हैं अब कूड़े में तब्दील हो चुकी हैं। और ये नज़ारा पटना के कालीघाट का है जहाँ पर हर साल हर पर्व के मौके पर हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भगवान की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जो पूजन सामग्री होती है वो इसी तरह से आस्था के नाम पर गंगा किनारे लाकर विसर्जित करते हैं। और हर बार सरकार की ओर से, निगम की ओर से गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उन्हें रोका जाता है, उन्हें ये मना किया जाता है कि गंगा किनारे आप इस तरह से विसर्जन ना करें। एक प्रॉपर तरीके से एक व्यवस्था की गई है लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो मानते नहीं हैं और इसी तरह से गंगा किनारे आकर पूजन सामग्री को विसर्जित कर देते हैं। लेकिन इस बार की तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर में देखिए आप किस तरह से ये जो महिलाएं हैं ये इस पूजन सामग्री को जो कि अब कूड़ा बन चुका है और उसको साफ कर रही हैं। और लेकिन तो अब हमारे साथ कालीघाट की स्वच्छता बनाए रखने में जो लोग सहयोग करते हैं उनके सुपरवाइजर मौजूद हैं। अपना नाम बताइएगा। नागेंद्र कुमार। नागेंद्र जी, ये बताइए कि ये जो कालीघाट पे कूड़ा दिख रहा है ये क्यों हुआ है? ये दशहरे पूजे का ये कूड़ा नहीं, एक्चुअली ये माता का जो भी पूजन सामग्री है और ये हम लोग मना करते हैं कि गंगा विसर्जन गंगा में मत डालिए। हम कर्मचारी चाहे जो भी यहाँ के गार्ड हैं तो वो लोग जो भी हों, अच्छा पढ़े लिखे भी हैं या जो भी सर्विस करते हैं, वो हमें बोलते हैं कि ये हम अपना ये कूड़ा नहीं है, हम माता को गंगा में डालने के लिए आए हैं। तो जब हम लोग मना करते तो वो हमसे दुर्व्यवहार भी करते हैं या यहाँ का घाट का गार्ड भी हैं वो भी मना करते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम लोग आज नौकरी लगाया ना और हम बरसों से फेंकते आ रहे हैं, बरसों से फेंकते आ रहे जी, तुमको कहने से हम माना नहीं हो पाएंगे। तो हम कहें कि ठीक है, सारा इतना श्रद्धा से आप अगर घर में पूजा करते हैं और उसी चीज़ को आप यहाँ लाकर फेंक रहे हैं, लात लग रहा है, उसी पे हर कर्म हो रहा है, तो ये किस टाइप का पूजा करते हैं? जहाँ की शौक श्रद्धा से माता को बैठाते हैं उसी माता को फिर लाकर यहाँ कूड़े के अंबार जैसा ढेर लगा दिए। लोग तो नहीं सुधरते हैं लेकिन आप लोग जो हैं आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग को यहाँ पर नियुक्त किया गया और यहाँ पर अभी भी कचरा फैला हुआ, आप लोग को नियुक्त करने के बावजूद भी ऐसा क्यों? जी सर, हम यहाँ के सुपरवाइज़र हुए हैं और ये घाट का ये नगर निगम स्टाफ जो भी हो तो हम लोग को 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण, आज कूड़ा कहिए चाहे जो कहिए इसे, ये आज नज़र आ रहा सिर्फ 5 महीने से, इसलिए कि हम लोग 2-3 दिन हड़ताल भी किए, जिसका कि अभी तक। हमने हड़ताल कब की थी? करीबन नेक्स्ट माह 27 से 28 तारीख को अपना हड़ताल की थी जी। निगम को हम लोग घेराव भी किए लेकिन अभी तक वहाँ से कोई निर्णय नहीं मिला। 5 महीने से आप लोग को वेतन नहीं मिला? 5 महीने से वेतन मिला, कभी 4,000 कभी 6,000 इस हिसाब से मिला 1 महीना। और अभी भी अगर मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन हमारा है ऐसे बहाली, एक्चुअली हम हुए थे 12,000 पे, कार्ड छाट कर हमें 9,150 रुपया या इतना ही कुछ है। अच्छा। और इतना बोलने के बावजूद भी आज हमें आपके नीचे के जो कर्मचारी उनके क्या वेतन है मासिक? सेम है चाहे वो सुपरवाइजर हो। कितने लोग बहाली में हुए थे इसमें? बहाली सर हर अंचल में अगर ये देखा जाए तो 800 से नीचे तादाद नहीं होगा कर्मचारी। अच्छा। का और अभी आप लोग कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी तो हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट में हर घाट पे 5-5 दिया गया था लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो पूरे घाट को अगर हम सर्वे करते हैं तो 80 वर्कर भी बरकरार नहीं उतर पाएंगे, 80 भी नहीं है। तो लोग तो नहीं मान रहे, उन्हें समझाते हैं आप, फिर भी लोग जो है पढ़े लिखे लोग जो है आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और इस तरह से कचरा फैलाते हैं और आप लोगों ने भी गंगा के घाट को ऐसे ही छोड़ दिया? ये देखिए एक्चुअली जब आप ऐसा बात बोल रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि ये हम मना करते हैं तो ठीक है, ये पूजा आदमी शौक श्रद्धा शांति के लिए करता है तो वो पूजा अगर करते हैं तो पूजा को ठीक है तो आप ढंग से फेंकिएगा तो कोई मना भी नहीं करेगा, अगर उसी चीज़ को आप दुरुपयोग कीजिएगा तो कोई भी मना करेगा। और ये तो हमारा मजबूरी है जो आज इतना नज़र आ रहा, अगर ये आप विश्वास नहीं कीजिएगा सारे जो भी स्टाफ हैं हम लोग हड़ताल में ही थे लेकिन गंगा ये सॉरी दशहरा के वजह से हम लोग अपना अनशन को ख़त्म किए कि नहीं नौकरी या पैसा हमारा अपना जब जगह। मीडिया में ये जो खबरें बनी हैं कि ये जो कालीघाट जो है इतना गंदा है, विसर्जन का सामान जो यहाँ पर ऐसी तरह पड़ा हुआ है, तब आप लोगों को अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया? हम लोग अपने मन से भी सोचकर
एक्चुअली सारा जो भी स्टाफ है अपने मन से ही हड़ताल भी किए थे, और जब ये गंदगी हम लोग से देखा नहीं गया तो हम लोग अपने मन से काम स्टार्ट भी कर दिए। ये पैसा के लिए नहीं, अपना दिल से श्रद्धा के लिए कि गंगा सब दिन हमारा साफ रहा, और आज पर्व की जब महान पर्व हिंदू का आया उस समय अगर गंगा का ये हालत रहेगा तो हम लोग निस्वार्थ होकर आज सेवा में लग गए। अगर पैसा नहीं भी मिलता तो हम समझेंगे माँ का सेवा किए। ये तो ये हमारे साथ नागेंद्र जी थे, ये गंगा की सफाई करने वाले जो लोग हैं उनमें ये शामिल हैं, और ये उन लोगों के सुपरवाइज़र हैं। और इनका ये कहना है कि पढ़े लिखे लोग भी हर साल आते हैं और इसी तरह से पूजन की जो सामग्री होती है उसे गंगा किनारे विसर्जित कर चले जाते हैं। लाख मना करने के बावजूद भी वो ऐसा करने से बाज नहीं आते, और जब उन्हें समझाया जाता है तो पढ़े लिखे लोग ही उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और इनकी अपनी खुद की परेशानी है कि इन्हें 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण से इस तरह से कूड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है, और इनकी भी अपनी परेशानी है। संबंधित अधिकारी जो हैं उन्हें इनकी भी समस्या समझनी पड़ेगी, और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर ये भी अपने परिवार के लिए ही इतना काम करते हैं। फिलहाल लोग जो हैं जागरूक होने के बावजूद भी इस तरह से गंगा में आकर पूजन सामग्री विसर्जित करते हैं और गंगा को दूषित करते हैं। सरकार लाख मना कर ले लेकिन लोग नहीं संभलते हैं। स्वच्छता के नाम पर ही सही, उन्हें इस बात को समझना होगा कि जहाँ पर साफ सफाई होती है, जहाँ पर स्वच्छता होती है, प्रभु ईश्वर भगवान वहीं बसते हैं। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए liveCities.in पर ज़रूर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।